सही कह रहो। अब तू एक काम कर, किराना बुला दे तन, हम तो एक काम सुवाए। अच्छा चाचा बुला रहा हूँ। अरे तन आइया तो चाचा बुला रहे हैं। हो चाचा काहे को बुला रहे हैं? बताओ कहाँ बेटा किरण, हम तो एक काम सुवाए। बताओ चाचा कहाँ काम ताए? बताओ वे कहा, हम तो पोतेन की ओर से परेशान है। ब्याह को जुगाड़ नहीं लग रहा किंग है ते। पहले तो विकलो अमनियो अबू जॉर्ज फर्नांडिस कहाओ भिजन दे और छोड़ गई आज कहीं हर छाती पे दाल दलने को। तो किंग है ते ब्याह को जुगाड़ कर बे सुन को। चाचा लौंडिया तो हैगी मेरी नजर में, पर वह लौंडा ड्यूटी वालों मौकरी। यू ही तो दिक्कत है, ड्यूटी तो नहीं लग रहे, थाली डोले उदमा दे तो चाचा फिर न हो पाएगा। अब तू न्यू बताए ना, कहो दफ्तर में बैठा दूं मैं, कहीं ड्यूटी भी हो गए? अरे नौकरी तो हैगी चाचा। अरे तो यार लगवा किंग गई नौकरी तो तुम्हारे यार खालिद के धोरे हैगी, कोई वाने नया टेंडर लियो, दबा के भर्ती कर रहा अपने ऑफिस में। अरे खालिद ते तो बिगाड़ खाता चल रहा है, बोल साल लो बात है। चाचा देख लो, मतलब को तो आदमी गधा भी बाप बनाना पड़े, खालिद तो फिर भी तुम्हारा यार। बात तो ठीक कह रहा हो तू, जाऊंगा तले। किरण तू पार्टी तो बात करके रख, खालिद धोरे ड्यूटी तो मैं लगवाई दूंगा उनकी। चाचा तुम ड्यूटी को जुगाड़ करो, बात तो करवाई देंगे तुम्हारी। ठीक है था। बस बाबा रहम दे, अब तो मोहर लग जाएगी यार। अब तू आदमी मुझे इतना बतला, इंटरव्यू के लिए जो लोग बुलाए आगे सबके सब ना आगे जो सब आगे बस तो बुलाए एक एक करके होले से इंटरव्यू लेते, क्यों टाइम गला रहा, गेट को खोल ले आराम से। बस जाहिल खड़ा हो जब तक बैठने के लिए कहा ना जा, बैठना ना तुझे, वरना कुर्सी में ऐसी लात मारूंगा कुर्सी के संग ज्वार के खेत में जाकर पड़ेगा। अब बैठो बेटे इत्मीनान के संग, दिखलाओ क्या डिग्रियां ले रहे हो तुम। अच्छा ये मसला भी है। मैं पढ़े लिखो की एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे पल्ले ना पढ़ रहा, मुझे तो ये तो दिख रहा कुछ हरप लिख रहे, लिख कर रहा पता ना, देख के मसला तो क्या मसला। पढ़े लिखे रहे मैं तो तेरी तरह, खाली अंगूठा टेक लग रही है मैं तो। भाई तू ही मसला, कितना पढ़ा लिखा, क्या तेरी कंडीशन है ना? मैं पढ़ा लिखा ना हूँ जी बाबूजी, बहुत गरीब घर से हूँ। गरीब घर से? मैं तो बेकूफ, हमें क्या तू राजा परिवार से समझ रहा? मैं बहुत गरीब परिवार से कल के कामयाबी हासिल करके ऑफिस डाला ना बे आदमी, नहा से उठाओ जमीन से उठ कर जब नहाया हूँ चार पाई पे, मैं आदमी सही लग रहा आदमी मुझे ये, नहीं मतलब लौंडा सही लग रहा आदमी मुझे ये, सीधा लौंडा गरीब फैमिली से इकला, इसको काम पे रख ले। रख लो खालिद भाई, इसे रख लो, बहुत बड़ा दिल है खालिद का, कल से ड्यूटी पा जाइए। चल लब मोहर लगा दो इसके उस पे बायोडाटा पे, अब इस मोहर को दिखला दीजिए कल लाके हमारे वहां पे फील्ड में है ना, कोई काटा ना इकल। आदमी दूसरे को बुलवा, कल टाइम से आ जाइयो। चलो भाई दूसरा आ जाओ। ना धर्मशाला खोल के बैठे हम तेरे लिए, जो तुझसे बैठा ना जा रहा, खड़ा दिया खराब हर सिकल को, बैठ देख ला क्या लाया बायोडाटा को। आदमी है तो जरा पढ़ा लिखा ना, एक दिन स्कूल लगा दिखे ये तो, तू देख के बता ले क्या परिस्थिति है इसकी। रे खालिद बिना देखे कुछ भी कह दे, बीए पास रख लो देख लो। बेकूफ मुझे तो पता बीए पास है, मैंने देखना लिया, मैं तो तेरा टेस्ट डाल ला,
तुझे टेस्ट करके देख रहा, कभी तेरी आंखों पे खा खा का चर्बी चढ़ गई हो, पेट का तो खा खा का ढोलक बना रखा तूने। मैं तो तुझे देख रहा, मुझे तो पता भी ये कर रखी है इसने। मैं भैया तू ना क्या लेने आया, मैं जब इतना पढ़ा लिखा तो कोई SSP बन BA PA कर रखे तूने, IPS बन यार, यहाँ क्या, यहाँ कुछ भी ना, धाराएं ना पढ़ी है, क्या लिख रही है ना, टेम फोड़ने चलाया ना पे हमारा। तेरे पे मोहर ना मार पाऊंगा भैया। ठीक है देखता हूँ, अगर काम होगा तो। निकल बुला, अगला बुला, चल आ जाओ भैया, अगला आ जाओ। आदमी अब ये हो रहा कंफ्यूज यहाँ पे कि बैठ जाओ या खड़ा रहो। मैं भैया तू उम्र दराज आदमी यार, बैठता क्यों ना, बैठ भैया यार, उम्र तो देख ले अपनी, हमारे संग का तू तो हाथ मिला यार, दोस्त है। अब मुझे सच सच ये बतला, तेरी जनानी ने तुझे धोखा दिया या बच्चों तुझसे लेदा हुए, किस लिए आया नौकरी की तलाश में? यहाँ बालक ने धोखा दे दिया। देख ले क्या कही मैंने, पहचान लिया ना, धोखा मिला इस इंसान को, इसकी आंखों में देख ले कितनी नफरत भर रही है। बस नफरत से काम न चलता भैया, मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत समाज में ना। अब तू एक काम कर, नौकरी तो तेरे लिए हमारे पास है ना, ना? तेरे को हम बनाएंगे अपना पार्टनर, जिन्हों का दिल दुखाओ ना पार्टनर बनाएंगे हम। सुबह आ जा तू ऑफिस पे, नहीं 10,000 रुपए लेकर पहुंच। 10,000? ठीक है जी, मैं सुबह आता हूँ, 10,000 लाता हूँ। एक कुर्सी तेरी भी नहीं डलेगी आदमी, हाथ मिला 10,000, ठीक है। मैं देखा आदमी कैसे 10,000 रुपए की झाड़ी बनाई मैंने ना। मैं मान के खा ले, यहाँ तो भीड़ा लग रहा, पहले ही ताल लगेगी चंदा। अरे खाली चल, सोम डाल के खड़ा। बस चाचा क्यों आए यहाँ पे? नौकरी को आए होंगे अभी। मैं बेवकूफ आदमी, इस उम्र में चाचा नौकरी लगेगा? मैं किसी और काम से आए होंगे, बुला ले ना, कब तक खड़े रहेंगे यार बूढ़ा आदमी। खाली तेरे चाचा की बोल चाल ना हो। मैं बोल चाल ना तो क्या हुआ, दोस्ती तो रही है हमारी भाई, नाराजगी वगैरह दोस्ती में चलती रहती है। चाचा के लिए दिल में आज भी मोहब्बत तो जिंदा ना, बुला चाचा को। आ जाओ चाचा, आ जाओ बैठो। हाँ भाई भर्ती एक घंटा को बंद है, इधर तुम बैठ जाओ, दोबारा आ जियो। नजरअंदाज करूंगा वैसे मैं ना, तू देखियो बातचीत जो करनी है तुझे। अबे आदमी ठीक ठाक है तू और तेरा बॉस? हाँ चाचा ठीक है। बे आदमी मेरे लिए अभी बता दे, खाली एकदम बेहतर खाली एकदम बेहतरीन है। बे आदमी या तो न्यू बूथ के बता, हमें काम तो आए हैं, वो हो जाएगा या ना? बे आदमी ना से कह दे, अगर खालिद के बस का वो काम हुआ तो जरूर हो जाएगा। बता तो चाचा कहाँ काम है तुम्हारा? हमारा तो भैया एक ही काम है छोटा सा, एक तो हमारा पोता अमन है और दूसरा का नाम है जॉर्ज व भिचंड, छोड़ गया हमारी छाती पे, इन दोनों की ड्यूटी लगवानी है बस। बता तो खालिद कैसे करनी चाचा के पोते इनकी? मैं कोई परेशानी ना, ड्यूटी लगाओ ना, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ अच्छा काम दो। बताओ तो कहाँ कहाँ पे लगाऊं ना? पहले चाचा से ये पता कर कौन सा कितना पढ़ा लिखा। ए चाचा तुम्हारे पोते कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़ाई लिखाई की तो आदमी यूं लगा ले, एक तो अमेरिका पे आयो वो तो है ठीक ठाक पढ़ो लिखो सो, और दूसरो अमन जो है बाकी तो ऐसे ही है, दो दूनी आठ। तो बताओ खालिद जी कैसे करना हो फिर? आदमी यार इसमें करना क्या, चाचक पोते ड्यूटी तो देनी हो ना, ना? तू इसमें ऐसा कर, ये जो अमरीका से आया ना अंग्रेजी बच्चा, इसको डाल दे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में। डिजाइनिंग में क्या रहता, इंग्लिश के हर्फों का प्रयोग है, तो डिजाइनिंग में डाल दे उसको भिचंड को। और ये जो चाचा का पोता अमन है, दो दुनिया आठ वाला जो मामला है इसका, इसके लिए निकाल दे तू, इसको तू डाल दे पायलट में। वाओ पायलट विभाग में डाल, वहां जरूरत है।
पायलट में? हाँ पायलट विभाग में डाल, मैं बतला दूंगा तुझे, बाद में सब समझा दूंगा। कह दे नौ से नौकरी पक्की है मेरी तरफ से। चाचा खालिद की ओर से नौकरी पक्की तारे पोते इनकी। यार आदमी या मेरी ओर से न्यू कहते थैंक यू सो मच। आज एक बात तो साबित होगी, खालिद मौसू आज भी प्यार मौने। बे आदमी नौ को ये बोलिएगा मेरी तरफ से, ये खालिद का फर्ज था, आज भी निभा रहा और आगे भी निभाता चलेगा, ना मानता बात को। लेकिन जो हमारी इसमें शर्तें हैं वो बता दे चाचा को, वो 3 महीने वाला एग्रीमेंट जो रहता, 3 महीने जो तनख्वाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग पर रहेगा बच्चा, और उसके बाद में इन्हों को वो दे दे अगर ये मानते हैं तो, इन्हों का सिग्नेचर ले ले एग्रीमेंट पे कि हाँ ये मंजूरी दे रहे हैं। अगर मंजूरी देते हैं तो इन्हों दे दे जॉइनिंग लेटर। अब मेरी कमर में हो रहा दर्द, मैं जरा ऑफिस में ऊपर बेडरूम में आराम फरमा लूं। बताओ तो चाचा केस करनी है अब? अरे करनी वरनी तो सब देखी जाएगी, कहाँ कह रहे हो, कहाँ शर्त है? चाचा शर्त ऐसे है, 3 महीने तक तो ट्रेनिंग दी जाएगी और 3 महीने बाद तनख्वाह मिलनी शुरू होगी। चलो कोई बात ना, 3 महीने में भी देखेंगे। ठीक है चाचा जी।